अलगू माई ने भी सही था जरिम फातिमा एम लेक्चरर कंप्यूटर साइंस दिस इज़ लेक्चर नंबर ट्वेंटी फ़ाइव चैप्टर नंबर वन फर्स्ट ईयर कंप्यूटर साइंस बाय आईटी सीरीज़ आज की वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं प्लॉटर्स के बारे में बेसिकली हम लोग जो मेन टॉपिक डिस्कस कर रहे हैं दैट इज़ आउटपुट डिवाइस तो आउटपुट डिवाइसिस में हम लोगों ने देखा था कि एक तो मोनीटर्स हैं दूसरा प्रिंटर्स हैं स्पीकरस हैं प्लॉटर्स भी हैं अब प्लाटर्स जो है ये बहुत हद तक प्रिंटर प्रिंटर वाला काम ही करते हैं बेसिकली ये प्रिंटिंग के लिए यूज़ होते हैं लेकिन पॉइंट ये है कि अगर दोनों का काम एक है तो फिर ये दो मुखलिफ चीज़ें क्यों हैं फिर तो प्रिंटर भी प्रिंटिंग की करता है तो वही हो जाता है ये प्लॉटर अलग से क्यों है तो आपने इस चीज़ को नोट किया होगा कि चले कॉपीज़ वग़ैरह या रजिस्टर नोटबुक ऐसी इस तरह की पेपर पर पे जो भी प्रिंटिंग होती है वो एक ख़ास साइज़ की होती है लेकिन अगर आप बाहर देखें तो आपने देखा होगा मुख्तिफ़ ब्रांड्स अपनी मार्केटिंग कर रहे होते हैं मुख्तु इश्तहार लगे होते हैं बैनर लगे होते हैं उनके ब्रोशर्स होते हैं मुख्तफ़ चीज़ें होती हैं तो वो जो बैनर्स होते हैं या बड़े बड़े बिलबोर्ड्स पर चीज़ें लगी होती हैं वो किस तरह से प्रिंट होती हैं तो बेसिकली वो सारी चीज़ें जो हैं वो प्लॉटर्स के साथ प्रिंट होती हैं ठीक है तो मेन डिफरेंस क्या है बेसिकली प्रिंटर और प्लॉटर दोनों ही प्रिंटिंग के लिए इस्तेमाल होते हैं लेकिन फ़र्क क्या है कि प्रिंटर में एक लिमिटेड साइज़ का पेपर होता है उसको प्रिंट किया जाता है जबकि प्लॉटर जो है ये अनलिमिटेड साइज़ या फिर बहुत बड़ा साइज़ या कस्टम साइज़ कस्टम मतलब जितना आप चाह रहे हैं जिस तरह से आप प्रिंट निकलवाना चाह रहे हैं जिस भी साइज़ का तो वो आप किसके थ्रू निकलवा सकते हैं प्लॉटर के ज़रिए अब इसकी बेसिक सी डेफिनेशन के साथ स्टार्ट करते हैं अब प्लॉटर इज़ एन आउटपुट डिवाइस सबसे पहले क्या चीज़ उसने बताई कि ये डिवाइस आती कौन सी कैटेगरी में है ये इनपुट डिवाइस है या आउटपुट डिवाइस है तो ये क्या है आउटपुट डिवाइस है दैट इज़ यूज टू प्रोड्यूस हाई क्वालिटी ग्राफिक्स इन अ वैरायटी ऑफ कलर्स जो कि यूज़ होती है हाई क्वालिटी ग्राफिक्स बनाने के लिए वही बात जैसे मैंने कहा कि बहुत बड़े बड़े बिल बोर्ड्स होते हैं मुख्तु ब्रांड्स होते हैं जो अपनी मार्केटिंग कर रहे होते हैं कुछ रेस्टोरेंट्स होते हैं या डिफरेंट कोई भी चीज़ें हो सकती हैं तो उनके जो आपने देखे होंगे बैनर्स या उनके ब्रोशर्स या उनके वैसे इश्तहार जो लगे होते हैं तो वो बहुत हाई uh, क्वालिटी की ग्राफिक्स होती हैं और डिफरेंट कलर्स में होते हैं कलर्स की एक वैराटी होती है जो वहाँ पर यूज़ की गई होती है दूसरी चीज़ के प्लॉट आर यूज़ टू तो क्रिएट मैप्स आर्किटेक्चरल ड्राइंग्स ग्राफ्स एंड चार्ट्स ये ज़्यादातर क्यों इस्तेमाल होते हैं मैप्स वगैरह बनाने के लिए अब आपने देखा होगा सिविल इंजीनियर्स वगैरह होते हैं ना ये पहले एक ब्लू प्रिंट बनाते हैं कोई भी बिल्डिंग भी बनानी होती है तो उसका मैप बनता है और उसके अलावा मुख्तफ आर्किटेक्चरल ड्राइंग्स बनती हैं आर्किटेक्ट्स वगैरह उनको बनाते हैं ग्राफ्स होते हैं और चार्ट्स वगैरह ये सारी चीज़ें ड्रा बेसिकली कैसे होती हैं प्लॉटर्स के थ्रू होती हैं अब दो तरह के प्लॉटर्स होते हैं बेसिकली जब हमने प्रिंटर्स की बात की थी तो उसमें भी दो कैटेगरीज थी एक थे इम्पैक्ट प्रिंटर दूसरे थे नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर अगर प्लॉटर्स की बात करें तो ये भी बेसिकली दो टाइप्स के हैं फर्स्ट वन इज़ फ्लैट बेड प्लॉटर, सेकेंड वन इज़ ड्रम प्लॉटर। फ्लैट बेड प्लॉटर नाम से पता है कि कोई फ्लैट टेबल लाइक सरफेस होगी पे पेपर पड़ा होगा और उसके ऊपर चीज़ें प्लॉट होंगी यानी ड्रा होंगी दूसरा है जी ड्रम प्लॉटर उसमें एक, एक ड्रम हा यानी सिलेंडर टाइप एक चीज होती है वो ड्रम रोटेट होता है जिससे आपका पेपर रोटेट होता है और पेन ऊपर चीज़ें मुख्तु ड्रा करता रहता है जो भी ड्राइंग्स आपने ड्रा करनी है या जो भी चीजें ओके सो अब हम देख लेते हैं फ्लैट आ, फ्लैट बेड प्लॉटर को <coughs> सामने आप ये ग्राफिक भी देख सकते हैं बिल्कुल ये स्मूथ एक सरफेस है जिस पर पे पेपर पड़ा हुआ है ये ऊपर जो है ये पेन लगा हुआ है जो बेसिकली प्लॉटिंग करेगा प्लॉटिंग मतलब ड्राइंग uh, करेगा या स्केचिंग करेगा और ये करेगा कैसे खुद से नहीं करेगा सॉफ्टवेयर प्रॉपर इसको इंस्ट्रक्शंस देगा और जिस तरह की इमेज ड्रा करनी है उस तरह की इंस्ट्रक्शंस इसको दी जाएगी और उसी हिसाब से पेन मूव होगा पेपर पे और uh, जो भी ड्राइंग आपने करनी है जो भी स्ट्रक्चर बनाना है जो भी मैप बनाना है या कोई भी चीज़ है तो वो बन जाएगी ओके सो फ्लैट फ्लैट बेड प्लॉटर इज़ यूज़ टू प्लॉट और ड्रा देखें प्लॉट का मतलब ड्रा करना ही होता है बेसिकली प्लॉट और ड्रा इमेज ये इमेजेस ड्रा करने के लिए इस्तेमाल होता है इट कंटेन्स पेन्स फॉर ड्राइंग इमेजेस ये देखें ये यहाँ पे इमेज में भी दिखाया हुआ है पहले भी मैंने बताया कि ये पेन लगे होते हैं और नीचे पेपर पड़ा होता है और ये पेन इंस्ट्रक्शंस के मुताबिक सॉफ्टवेयर के इंस्ट्रक्शन के मुताबिक ऊपर मूव होता है और फिर चीज़ें ड्रा होती हैं द पेपर इज़ प्लेसड ऑन अ टेबल लाइक सरफेस टेबल की तरह की एक हमवार सतह होती है प्लेन सरफेस होती है उस पर पे पेपर पड़ा होता है सॉफ्टवेयर इंस्ट्रक्ट्स द पेन टू मूव डाउन ऑन द पेपर और सॉफ्टवेयर इंस्ट्रक्ट करता है यानी इंस्ट्रक्शंस देता है पेन को कि तुमने किस तरह से पेपर पे ड्राइंग करनी है द पेन देन मूव्स ऑन द पेपर फॉर क्रिएटिंग इमेजेस फिर जो है पेन मूव होता है पेपर पे, पे इमेजेस बनाने के लिए मोस्ट फ्लैट बेड प्लॉटर्स हैव वन और मोर पेन ऑफ डिफरेंट कलर्स एंड विड्स ज़्यादातर ये जो होते हैं आपके फ्लैट बेड प्लॉटर्स इनमें एक पेन भी होता है और डिफरेंट पेन्स भी होते हैं अब डिफरेंट पेन क्यों होते हैं अब कहीं पे हमें नक्शे वगैरह बनाने में या कोई मैप आप देख सकते हैं कोई स्ट्रक्चर बिल्डिंग्स के स्ट्रक्चर बनाने में या इसके अलावा भी कोई आर्किटेक्चरल काम के लिए कहीं पे मोटी लाइन्स ड्रा करनी होती हैं कहीं पे बारीक लाइंस ड्रा करनी होती हैं सो so, वो जो पेन डिफरेंट होते हैं उनमें कई चीज़ों के कलर डिफरेंट होते हैं कहीं की विट डिफरेंट होती है तो इस तरह से ये चीज़ें प्रिंट होती हैं <coughs> दूसरी जो हमारे पास टाइप है प्लॉटर्स की दैट इज ड्रम प्लॉटर ड्रम प्लॉटर की आप ये जो फिगर उसका जो दिया हुआ है उसको भी आप देख सकते हैं ये एक जो है ड्रम है बेसिकली सिलेंडर की तरह का होता है ये रोटेट होता है और इस पे पेपर जो है मूव होता है ड्रम प्लॉटर में एक और चीज़ क्या होती है कि पेपर अनलिमिटेड होता है आपने कभी देखा हो बैंक स्टेटमेंट्स वगैरह वो एक लंबा पेपर होता है जो लिस्ट पूरी बनी होती है एक दूसरे के साथ जुड़ा होता है या इसकी दूसरी कॉमन एग्जाम्पल अगर मैं आपको दूँ तो आपके जो बात टिशू पेपर्स होते हैं बाथ पेपर्स भी उनको कहते हैं वो क्या होता है एक रूला सा होता है बेसिकली जिस पर पे टिश्यू पेपर्स लगे होते हैं और वो एक के बाद एक एक और एक के बाद एक अनलिमिटेड चलता जाता है आपकी मर्ज़ी है जहाँ से आप उसको तोड़ना चाहें या उसको ख़त्म करना चाहें तो ये चीज़ बिल्कुल ड्रम प्लॉटर में बिल्कुल इसी तरह से काम करती है सो so, ड्रम प्लॉटर यूजिज़ आ रोटेटिंग ड्रम या सिलेंडर इसमें एक रोटेटिंग ड्रम ही आप कह सकते हैं सिलेंडर होता है द ड्राइंग पेन्स आर माउंटेड ऑन द ड्रम्स और इस ड्रम के ऊपर ये जो लाइन है यहाँ पे ड्राइंग पेन्स होते हैं ड्रम और इन पेन्स के दरमियान में पेपर मूव होता है बेसिकली द पेन मूव्स टू द लेफ्ट एंड राइट एज द ड्रम रोटेट्स पेन लेफ़्ट या राइट मूव होता रहता है जिस तरह से ड्रम मूव होगा बेसिकली पेन की मूवमेंट भी जो है ड्रम की मूवमेंट पे ही मुनसर कर रही होती है दिस मूवमेंट क्रिएट्स द डिज़ायर्ड इमेज और इसी तरह इन्हीं मूवमेंट्स के साथ जो हम तस्वीर बनाना चाह रहे हैं वो बन जाती है द एडवानटेज ऑफ ड्रम प्लॉटर इज़ दैट द लेंथ ऑफ द प्लॉट इज ऑलमोस्ट अनलिमिटेड वही बात मैंने आपको बताई जैसे एक टिशू पेपर्स का बड़ा सारा रूला हो तो एक के बाद एक टिशू पेपर चलता ही जाता है चलता ही जाता है इसी तरह वो कह रहे हैं कि इसका एक एडवांटेज ये भी है कि इसमें अनलिमिटेड लेंथ का आपको पेपर मिलेगा यानी जितनी भी लंबी चौड़ी जैसे बैनर्स वगैरह की प्रिंटिंग होती है तो जितनी भी लंबी चौड़ी आपकी मर्जी है आप कस्टम साइज अपनी मर्ज़ी से उसका रख सकते हैं द रोल पेपर कैन बी यूज टू ड्रा वेरी लेंथी इमेजेज़ उससे बहुत लंबी चौड़ी इमेज भी बनाई जा सकती हैं द विथ ऑफ द इमेज डिपेंड्स ऑन द विथ ऑफ द ड्रम और कितनी चौड़ाई होगी इमेज की ये चीज़ डिपेंड करती है बेसिकली आपके ड्रम की चौड़ाई पे जैसे आपने प्रिंटर वगैरह देखा होगा उसमें पेपर जो है रखा जाता है वो प्रिंटर की चौड़ाई को देखते हुए रखा जाता है यानी कि पेपर ज़्यादा चौड़ा होता है और प्रिंटर में फिर वो आए ही ना ठीक है तो वो हम मशीन की फिजिबिलिटी देख के मशीन की कैपेसिटी देख के उस हिसाब से पेपर डिज़ाइन किया जाता है इसी तरह यहाँ पे जितना चौड़ा आप कह सकते हैं जितनी ज़्यादा विड्थ होगी आपके ड्रम की उतना आपकी जो प्रिंट है उसकी भी विड्थ ज़्यादा होगी और अगर उसकी कम होगी तो फिर ज़ाहिर सी बात है आपके पेपर की भी विड्थ कम होगी आई होप आपको समझ लग गई होगी बिल्कुल आसान सा कॉन्सैप्ट है कि प्लॉटर्स भी प्रिंटिंग के लिए ही इस्तेमाल होते हैं लेकिन ये कौन से प्रिंटिंग के लिए इस्तेमाल होते हैं ये मैप्स के लिए आर्किटेक्चरल कामों के लिए और बड़े बड़े स्ट्रक्चर्स जो बैनर्स होते हैं मार्केटिंग के लिए जो हम बिल बोर्ड्स के इश्तहार बनाते हैं इन चीज़ों की प्रिंटिंग के लिए इस्तेमाल होते हैं दो तरह के हैं एक फ्लैट बेड और एक ड्रम प्लॉटर तो आई होप आपको समझ लग गई होगी अगर फिर भी कोई कन्फ्यूजन है या कोई पॉइंट है जो अभी तक क्लियर नहीं है तो आप पूछ सकते हैं कमेंट्स में मैं इंशाल्लाह आपके सवालों के लाजमी जवाब दूंगी थैंक यू सो मच